नन्ना गुड आफ्टरनून बोले, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोले तो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अरे नहीं गुड आफ्टरनून, अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये नाना जी थे, मैंने इन्हें कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था अपने चैनल पे, तो लकीली आज आप सबने देख लिया। और आज गुड फ्राइडे है तो आज मेरा ऑफिस ऑफ था, एंड गुड फ्राइडे जो बेसिकली आधे लोगों को नहीं पता होता गुड फ्राइडे क्यों होता है, किस लिए होता है, तो बेसिकली आज के दिन जीसस जो थे उनको क्रूसीफाइड कर दिया था। क्रूसीफाइड मतलब जो क्रॉस साइन होता है उस पर उन्हें लटका दिया था, तो उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था हमारे लिए। तो आज के दिन आपको चर्च विजिट करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं भी ट्राई करूँगा शाम को, अगर जा पाया तो मैं भी दिखाऊँगा। एंड अभी के लिए अभी हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, और आज ऑफ था तो क्योंकि मैं रोज़ शूट नहीं कर पाता कुछ, क्योंकि ऑफिस रहता है, तो जब भी मौका मिलेगा मैं शूट करके आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा और एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। ओके मिलता हूँ आगे। तो हमारा डिसेंट सा वे भी बैठा है अभी, जो कि डिसेंट लग रहा है, और थोड़ी देर में उछल कूद करने वाला है काफी। तो अभी 10-15 मिनट हो गए हमें घर से निकले हुए, और हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं और हम जा रहे हैं ओमिक्रॉन 3। और पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, मतलब कॉलेज था मेरा परिचौक के आसपास, ओमिक्रॉन के आसपास ही, बट मैं कभी वहाँ पे गया नहीं। तो आज भैया रहते हैं वहाँ पे, तो उनसे थोड़ा मिल भी लेंगे और थोड़ा एरिया भी देख लेंगे कैसा है। बाकी अगर आपको नोएडा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनमें कोई रहता नहीं है अभी ज़्यादा खास बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे। और नोएडा देखा जाए बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का, तो क्योंकि यहाँ पे फिल्म सिटी भी बनवाने वाले हैं थोड़े टाइम में, और जंगल से मतलब हो गया काफी डेवलपमेंट। रास्ते से मैं डेली कॉलेज जाता था पहले, डेली तो नहीं मतलब हाँ जब कभी भी जाता था मैं कॉलेज, बहुत कम गया हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इस तरीके के काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए मिलेंगे यहाँ पे रास्ते पे। तो यहाँ से अगर राइट चले जाएंगे तो मेरा कॉलेज आ जाएगा सामने, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉलेज का नाम था HIMT। इस और इस सड़क पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, आगे गलगोटिया वगैरह भी है, और आगे एक मॉल भी है, उसका नाम मैं भूल गया क्या था, और उसके थोड़ा और आगे चल के वेनिस मॉल आता है जो थोड़ा सा पॉपुलर मॉल है ग्रेटर नोएडा का, अच्छा मॉल है, बट थोड़ी सी इसकी मेंटेनेंस ख़राब हो रही है मतलब, बट अच्छा है, बहुत अच्छा बना रखा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी अभी परी चौक दिखाता हूँ आपको, परी चौक कैसा दिखता है जो कभी परी चौक नहीं आया और नाम सुना है परी चौक का। सो ये पहुँच चुके हैं हम परी चौक पे, तो परी चौक पे ये परियाँ बनी हुई हैं इसमें इसका नाम इसलिए परी चौक है। एंड बस यहाँ से अगर आप राइट चले जाओगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे यमुना एक्सप्रेस वे से आगे और दिल्ली साइड से। गाइस हम इन भैया के घर आए थे और आ चुके हैं, और ये दीदी बहुत मतलब बहुत दूर से मिलने आई है मुझसे और ये भैया भी बहुत दूर से मिलने आए हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? गोवा से? हाँ, गोवा वाले बीच से। तो ये भैया गोवा से आए हैं मेरे से स्पेशल मिलने पर थोड़ी देर पहले बोतल ढो रहे थे हम पानी की बैग दिखा रहा है ये वाला प्यारा लग रहा है छोटा सा।
वो देख उसका आगे का मुंह उस डॉगी जैसा लग रहा है। देखिए कैसे सो रहे हैं यार। कहाँ गए? अभी सारे दुबके हुए बैठे होंगे। फीमेल सेक्शन अलग बनाया हुआ है। ओ भाई साहब, ओए छब्बीस बच्चे और कल रात में सुबह दिए थे। भैया जिनके पास आए थे उनसे मिल लिए, और ये जो आपने इससे पहले शूट देखे थे मतलब वीडियो देखी थी छोटी छोटी, यहाँ की थोड़ी ओमिक्रॉन की थी, जैसे ओमिक्रॉन है यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी। और बाकी वो जो खरगोश थे जिनके घर वो खरगोश थे, वो तीन खरगोश थे एक साल पहले, और अब 100 से भी ज़्यादा हैं। तो ऐसा था। और बाकी भी घर जाने की तैयारी चल रही है, और शाम को अगर चर्च गया तो दिखाता हूँ, और नहीं गया तो वीडियो एंड कर दूँगा। चलो मैं बाद में मिलता हूँ। या सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम घर पे आ गए थे 10 बजे। एंड जो चर्च जाने का प्लान था यार, वो थोड़ा ड्रॉप आउट कर दिया मैंने, क्योंकि 10 बजे घर पे आया, उसके बाद मुझे लगा नहीं कहीं चर्च जाना चाहिए, अभी थके हुए भी काफ़ी थे। और जो सेकेंडली, रास्ते में ग्रेटर नोएडा से गाज़ियाबाद आते वक्त 2 चर्च पड़े थे, एंड दोनों ही क्लोज थे, तो मुझे यही पता लगा कि कोरोना की वजह से थोड़ा जल्दी चर्च क्लोज़ कर रहे हैं। बाकी और कोई स्पेसिफिक रीज़न हो तो मुझे नहीं पता, मुझे यही पता लगा। और हाँ, थोड़ा आज का ब्लॉग जो था यार, एक्सपेरिमेंट करने की सोची थी बट मैं कर नहीं पाया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फीडबैक यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ क्या करना चाहिए मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। और आने वाले टाइम में थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की सोच रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 1-2 महीने बाद अपना कैमरा भी अपग्रेड कर दूँ। और बाकी कल एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, वो भी नेक्स्ट वीक में मैं एडिट करके शायद जहाँ तक अपलोड कर दूँगा। बाकी अच्छा लगा हो यार तो सपोर्ट करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है तो मन करता है कि और अच्छा इम्प्रूव, बेस्ट दो अपना। बाकी वीकेंड फ्री रहता हूँ तो उसी में ही ट्राई करता हूँ कि एडिटिंग करूँ, बाकी एडिटिंग इम्प्रूव करने का और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं पकाता, और नाना की गुड नाइट सुन के जाना। बाय बाय। खा लिया खाना? गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय कर दो। बाय सबको। बाय 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 भी कर दो। बाय 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 बाय।